अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खटक और आप YouTube चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों आज उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, जिसमें मैंने बताया था जो लोग दो जोड़ों से आगाज़ करना चाहते हैं तो उनमें से तकरीबन अगर 100% में 80% लोगों ने कमेंट में यही पूछा कि भाई दो जोड़ों में बता तो दिया, केज साइज़ भी बता दिया, अगर आप केज का डेमो करके दिखा दें तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फायदियत हासिल होगी और हम जो है बेहतरीन तरीके से दो जोड़ों से शुरू कर सकेंगे। तो मैं आपको आज इसके बारे में थोड़ी वीडियो लंबी भी करूँगा और बताऊँगा मैंने कैसे शुरू किया और इस केज को मैंने क्यों अपनाया और मैं उस टाइम कितनी ब्रीड लेता था, किस जगह मैं गलत था और किस जगह मैं ठीक था और कितने जोड़े लगाने चाहिए इस केज में और केज की तारों को गेज को आप कैसे मालूम करें कि ये अब अच्छा केज है या बुरा केज है। तो ये सारी चीज़ें आज इस टॉपिक में हम सम अप करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए मैं ये काविश की है। तो दोस्तों आज सेटअप से दूर इसलिए आया हूँ कि वहाँ पे था असल में थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग सीज़न शुरू हुआ हुआ है तो मैं नहीं चाह रहा कि वहाँ थोड़ा शोर शराबा हो, क्योंकि फिर मैं ये मेज़ रखता, मेज़ के ऊपर केज रखता, फिर पीछे कुर्सी लाता तो फिर खड़खड़ वगैरह से और जो भी ऐसी चीज़ जो इनको जो है सुकून में जो है खलल पैदा करे उस चीज़ से मैं आप लोगों को भी कहता हूँ अवॉइड किया करें और मैं भी इसी चीज़ से अवॉइड कर रहा हूँ। और तो इसलिए मेरा ये आके देख लें कारपोज में मैं बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिलता चला जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने मुझसे पूछा था इस केज का साइज़ बता दें, तो केज का साइज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इंचज़ में फ़र्क होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा लेकिन 1.5x2 केज का साइज़ है। फिर बता देता हूँ 1.5x2 केज। अच्छा, स्टार्ट जो करना चाह रहे हैं, दो जोड़ों से स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। अच्छा, मैंने जब स्टार्ट किया तो क्या किया, मेरा सबसे पहला जो केज था मैंने मास्टर का केज दिया 1.5x2 का और वो भी बड़ा ज़बरदस्त मुश्ताक भाई ने मुझे दिलवा कर दिया था और मुश्ताक भाई ने तारों वगैरह को ठीक ठाक से देखा तो उनको उन्होंने कहा कि यार ये कदरे बेहतर है बाकी केज से, इसके तारे जो हैं इसका गेज जो है काफ़ी बेहतर है बाकी जितने हमने केजेस वगैरह देखे। क्योंकि स्टार्ट में मैंने सोचा कि मैं वुडन केज बनाता हूँ लेकिन वुडन केज में सबसे बड़ी खामी ये है और मैं बनाने भी लगा था लेकिन मुश्ताक भाई ने ये मशवरा दिया कि यार इसको अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये यूज़लेस हो जाएगा, दोबारा बिकने के काबिल नहीं होता और अगर बिक भी जाए तो वो दोबारा कीमत नहीं रहती। तो उन्होंने मेरे लिए यही सोचा कि यार अगर ये इसका शौक जो है आदमी में ख़त्म हो जाए तो वो चीज़ जो है इसका एसेट वापस उतनी कीमत में बिक जाए, इसलिए उन्होंने मुझे ये केज रिकमेंड किया। तो इस केज की सबसे बड़ी क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ, ये आप जितने में नया लेते हैं उससे 200-300 में कम में पुराना भी बिक जाता है और ये मैंने बेच कर देखा है और मैंने जो बेचे हैं उसकी भी बड़े पछता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं था अंदाज़ा कि एकदम से इतनी ब्रीड आ जाएगी, फिर मुझे सेपरेट करने पड़ेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें बहुत कुछ आगे वीडियो में चलाता रहूँगा। तो बेसिक चीज़ आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि इसमें जो परिंदे हैं, अब ये सवाल मैंने पिछले में बताया, ये बंदे की 4 पेयर इमानत है उसको मैंने पहुँचाने और हो सकता है आज रात आज पहले उसने बताया था लेकिन उसकी कहीं फौजगी होगी इस वजह से, तो इसको मैं बेसिकली रख रहा हूँ डव के लिए और डव के लिए भी बताऊँगा इसमें, लेकिन पहले आता हूँ फिंचिस पे। अगर तो आप ऐसा कर रहे हैं कि आप इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूं कि ये देखें इसके ये कोनों पे 1, 2, 3, 4 मटकी अगर आप दरमियाने साइज़ की लगाती हैं तो 4 पेयर आप इसमें रख सकते हैं और ये उनके लिए है जो डायरेक्ट ही मतलब कहते हैं कि हमने कमाने ही कमाना है तो वो इस तरह कर सकते हैं। शौकीन हजरात हैं जो कमाने के साथ साथ इनकी केयर करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बताऊंगा वो किस तरह मटकी लगाएं, वो सिर्फ 1 और 2 मटकी लगाएं ताकि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो। अच्छा, ये इसमें डव जो है ये थोड़ा ज़्यादा फड़फड़ करती है क्योंकि इसमें जो है ये थोड़ा डरने वाला परिंदा है लेकिन ये फिंच जो होती है ये थोड़े इंसान के साथ मानूस होती है और इसमें इतनी खलबली में जाने की आदत नहीं होती है, लेकिन ये डव जो है ये नया, इसके करीब भी जाओ तो ये अपने पर ऐसे मारने लगती है ऐसे जैसे केज के साथ टकरा के इसके सारे पर टूट जाएंगे। तो इसमें मैं बेसिकली डव के लिए मैं आपको जो लोग डव रखना चाह रहे हैं 1.5x2 के केज में तो उसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपने एक ही वो लगानी है टोकरी। अच्छा, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था डव की जिसमें मैंने बायोग्राफी बताई थी उसमें मैंने बताया था आप फ्राई पान वगैरह ले लें या कुछ ले लें, उससे बेहतरीन हाल मैं आपको बता रहा हूँ 45 से 50 रुपए की एक प्लास्टिक की टोकरी मिलती है जिसमें आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में चम्मच वगैरह रखते हैं, चम्मच छुरी कांटा वगैरह, और इतनी प्लास्टिक की टोकरी होती है, इतनी सी होती है और इतनी उसकी विड्थ होती है, मतलब इतनी विड्थ होती है। तो यहाँ पर आप इसको लगा दें उस टोकरी को भी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टोकरी में भी गैप होती हैं, वो सुराख होते हैं, उसमें आपने वेल्डिंग वायर ली और उसको आपने वायर निकाल के इसको हल्का सा बांध देना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अच्छा डब के लिए आपने कभी भी ऊपर नहीं करना है, उसको मिड में लगा कर देना है, और मैं जो लगा कर दूंगा इसको यहाँ पर लगा के दूंगा टोकरी। और खैर वो तो आने के साथ साथ लम्हा ब लम्हा मैं वीडियो बना के आपको दिखाता भी रहूँगा। आज ये मानत एक बंदे की चली जाए, उसके बाद मैं टोटल तकरीबन 2-3 डब को देने लगा हूँ, और वीडियो भी लगातार 2-3 डब पर आने लगी है, क्योंकि स्केच को मैंने सिक्योर बनाना है, इसके लिए मैं जाली भी ले आया हूँ, और अभी मैं आगे चल के आप लोगों को जाली भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों डब के लिए मैंने इसको एक को, क्योंकि डब थोड़ा बनिस्बत बड़ा है, और डब में मैंने एक चीज़ देखी है कि कॉलोनी सेटअप के लिहाज से केज में बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है कॉलोनी सेटअप में ये देखा गया, जिस भाई से मैं लाया हूँ उन्होंने मेरे साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बताया कि यासिर भाई डब जो है कॉलोनी में इसलिए भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर एक टोकरी में एक पेयर ने 2 अंडे दे दिए हैं, और बार बार बताता हूँ कि डब 2 अंडे ही देता है, फर्टिलिटी के चांस तकरीबन 95% से प्लस होते हैं। तो दोस्तों उसमें यह है कि अगर उसी के अक्सर हो रहा है कि कॉलोनी सेटअप में कि उसी में आगे दूसरा पेयर भी अंडे दे रहा है, जिसकी वजह से वो पूरा ब्रीडिंग साइकिल जो है डिस्टर्ब हो रहा है। तो दोस्तों ये जाली भी आपको बीच में मैंने मंगाई है, जाली भी दिखा देता हूँ जिसका मैंने अभी आप लोगों के साथ जिक्र किया है। तो ये वो जाली है, और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ये जो जाली है आपने केज में लगाई है वो कौन सी जाली है, तो वो जाली भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये जाली है, ये देखें बारीक जालियाँ, करीब भी करके दिखाऊंगा वीडियो के दरमियान में, लेकिन थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लें। तो इसको जो मैं बता रहा हूँ कि इस जाली से मैं क्या काम लूँगा, इससे जो है मैं क्योंकि अपनी कॉलोनी की छत पे रखने लगा हूँ इस केज को, तो बैक साइड ऑटोमेटिकली बिल्ली से सिक्योर है। हाँ सिक्योर क्यों कर रहा हूँ, वजह बता देता हूँ, बिल्ली से सिक्योर करना है क्योंकि बिल्ली का आप लोगों को पता है ये खींच कर ले जाती है। तो जब मैं कॉलोनी पर यूँ करके लगाऊँगा इसका फ्रंट मेरी तरफ होगा, और ये इस वाली दीवार से सिक्योर हो जाएगी, और पीछे टेक लगा के ये जो है पिछली दीवार से सिक्योर हो जाएगी, पीछे रह जाएगा एक बायर वाली साइड, और बायर वाली साइड ज़्यादा क्योंकि इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये बायर जंगली वाली साइड है, यहाँ से बिल्ली आराम से आ जा सकती है, तो इसमें से आराम से वो बर्ड्स को भी नुकसान पहुँचा सकती है, और फ्रंट से। और क्यों अब मैं फ्रंट को कैसे कवर करूँगा और ये वाली साइड कैसे कवर करूँगा, ये वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, अगर मैं इसी में बता दूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप ज़्यादा बोर हो जाएंगे। तो आता हूँ दोबारा वापस फिंचेस की तरफ। फिंचेस में मैं आपको बताऊं कि मैंने स्टार्ट लिया था 4 जोड़ों से, उसके बाद एक और 1.5x2 से थोड़े इंच कम होता है उसमें मैंने 5 जोड़े भी लगा दिए थे, वो थोड़ा राउंड करके जो केज होता है आप समझ गए होंगे, और साइज थोड़ा छोटा होता है, मतलब वो 1.5 नहीं होगा 1.3 होगा, और 2 फुट इसरा होता है और 1.3 होता है, मतलब 1.5 भी नहीं होता, उसमें भी मैंने लगा के देखी है। लेकिन उसमें यह है जैसे ही पट्ठे नीचे उतरे तो फीडर प्लगिंग स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद जो है आपको जो पट्ठे आए हुए होते हैं वो तकरीबन मुश्किल से पल पाते हैं, क्योंकि बहुत मछली बाजार बन जाता है। तो 4 पेयर जब इसमें लगाते हैं ये थोड़ा कदरे बेहतर है, अगर आप इसमें 4 पेयर लगाते हैं तो ब्रीड आ जाएगी, लेकिन इसमें यह होगा आपको पट्ठे जैसे ही आपको लगे कि सेल्फ होने वाले हैं तो फौरन से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये बात मेरी याद रखें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरी बात याद रखें, जो इसको लाइफ टाइम काम बनाना चाहता है और जो परिंदों से मोहब्बत करता है और वो ये सोचता है कि मैंने कमाने के साथ साथ इनका ख्याल भी रखना है, और मैंने इनका लाइफ साइकिल जो है इनकी औसतन एज 4 साल है, तो मैं इसको 6 साल पर कैसे लेके जाऊँ, तो उसके लिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपने एक मटकी इधर लगानी है 2 पेयर वालों के लिए बता रहा हूँ, और एक मटकी इधर लगा देनी है, ये दोनों साइडें आपने खुली छोड़ देनी ताकि इनके लिए ठीक ठाक स्पेस बच जाए। अच्छा इसके बाद क्या करना है, नेस्टिंग जो मैंने आपको बता दी वो नेस्टिंग वाली वीडियो पर भी जाके देख सकता है कि लव बर्ड की जो नेस्टिंग होती है, और हमारी पश्तो ज़ुबान में उसको मंजे बोलते हैं, क्योंकि वो एक अजीब किस्म का पौधा है, उसको जो तीलियाँ झाड़ू बनाने के लिए होती हैं उसको कूटते हैं अच्छी तरह, तो उससे वो मंजे निकलते हैं। अब आपकी लैंग्वेज में मुझे नहीं पता कि उसको क्या कहते होंगे, लेकिन यूजली लव बर्ड वाली नेस्टिंग इसको कहा जाता है। तो उसमें जो है ये इसमें रख देंगे, और उसमें अगर वो बड़ा साइज है तो उसको दरमियान से काटेंगे, और इसको जो है बारीक बनाने के लिए, अच्छा वो कई जगह मोटी है उसको बारीक ज़रात बनाने के लिए, वो उससे जो है आप पकड़ेंगे और उसको फुल गोल मड़ोड़ेंगे, दूसरे बंदे के हाथ में पकड़ा देंगे, और उसको दरमियान में वो चटनी कूटने वाले डंडा नहीं होता उससे आपने टक टक मार के आपने इसको और मज़ीद पतला कर देना ताकि आपकी फिंच ईजिली उठा ले। और लेकिन ये मैं बताऊँ नहायत ज़बरदस्त चीज़ है वो वाली नेस्टिंग, क्योंकि उनको फिंचज़ को उसको रोल करने में भी आसानी है और उठा कर लेके जाने में भी आसानी है। तो ये टॉपिक में है, खैर केज पर, तो केज पे आता हूँ दोबारा। तो इसमें आपने वो नेस्टिंग डाल देनी है। अच्छा इसमें सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ मैं आपको, 1, 2, 3, 4 जो हैं आपको बॉक्सेस नज़र आ रही है, बॉक्सेस को आपने ऐसे सिर्फ मैं आपको कहूँ आपने ग्रीन फूड या आपने सॉफ्ट फूड एग फूड देना है, या तो आप दाने के लिए यूज़ करें, इसको आप पानी के लिए कहते हैं यूज़ ना करें, आपको फिंचज़ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि फिंचज़ फितरतन शॉवरिंग करती है, सर्दी हो या गर्मी हल्की सी धूप नज़र आ गई ये शॉवर करके दोबारा स्टिक पर आगे बैठते हैं। भाई मेरा ये मानना है अगर तो ये इसके अंदर आप नहाते भी हैं लेकिन करते हैं, ये बात मैं कभी भी इस चीज़ से डिनाई नहीं करता कि नहीं करते, इसी तरह लोग यही पानी पिलाते भी हैं
नहीं भी होता, लेकिन आप रिस्क मत लें, मेरा ये मानना है। और मैं मेरी एक अजीब सी कैफियत है कि यार मैं कहता हूँ नहीं पानी गंदा हो गया, अभी इसके अंदर शॉवर कर लिया है, ये खैर मैंने मजबूरी के तौर पर रखा हुआ है। सबसे बेहतरीन हल ये है कि ये चार बॉक्स जो हैं ये आपने सिर्फ सॉफ्ट फूड, एग फूड और कंगनी वगैरह के लिए यूज़ कराने हैं, इसमें पानी ना डालें, शावर करवाना है तो डाल दें, अदरवाइज़ आप फीडर यूज़ करें। फीडर जो होती है इंजेक्ट होती है, मेरी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को पता है मेरी फीडर कैसी लगी होती थी, मैं लहदा फीडर धोता भी था। इतनी इतनी 50-50, 100-100 रुपये की फीडरें मिलती हैं, बड़ी लगानी है बड़ी लगाएं, छोटी लगानी है छोटी लगाएं, लेकिन बेहतर यही है कि 50-60 की जो इतनी सी मिलती है पतली सी, वो आप इसके अंदर लगाएंगे। दो पेयर के लिए आपको मैं बताऊँ वो तकरीबन 2.5 दिन भी पानी चल जाता है, लेकिन आप हर रोज़ वो पानी चेंज क्या करें, इससे ये होगा आपकी बर्ड्स का बीमार होने का कम से कम चांस होगा, क्योंकि इसके परों पे किस तरह का अजीब का बैक्टीरिया लगा हुआ होगा, अजीब सी बीमारियां होंगी, वो इसमें नहाती होंगी फिर वही पानी पीती होंगी। आप ये सोचेंगे आप जिस पानी से नहाते हैं उसे आप दोबारा पी सकते हैं, तो फिर आप इन्हें भी यही पानी दे दिया करें। कई लोग कहेंगे कि यार इंसान और हमें तो फ़र्क होता है, लेकिन यह है कि जिसको बर्ड से मोहब्बत हो जाए तो वो इसको बेहतरीन तरीके से फिर ले के चलता है। मैंने आपको अपनी गलती बताई, मैंने 1, 2, 3, 4 लगाए और तकरीबन उसमें तो फर्स्ट टाइम तो मेरे साथ ये होता था कि एक ही मटकी में 3 पेयर घुस जाते थे, लेकिन उस टाइम सर्दी की जो शरह थी वो तकरीबन माइनस में भी चली गई थी, इस वजह से भी मेरा ये ख्याल है। और मुश्ताक भाई ने भी मुझे कहा कि यार ये सर्दी की वजह से सर्दी कंट्रोल नहीं हो रही, हालांकि हमने उस केज को पूरा पैक किया हुआ था, तो उस वजह से भी है सर्दी में इनका खास ख्याल रखना पड़ता है। आप केज सिस्टम लगा रहे हैं लेकिन इनके लिए बल्ब नहायत ज़रूरी है, बल्ब लगाएं, नहीं तो आप अपने रूम टेम्परेचर को ऐसे कम्फर्टेबल जोन में लाएँ कि वो 14-15 में रात के टाइम भी रहे, तो ये आपको सर्वाइव भी करेंगी और इसके बाद ब्रीड भी करके देंगी। तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें 2 पेयर लगाएंगे, इसके बाद है कि इसमें पट्टे सेल्फ के आने बाद भी जो हैं फिर आप इसमें रख सकते हैं, आपके सर का दर्द नहीं बनता। लेकिन अगर आपने इसमें 4 पेयर लगा दी और उन्होंने एक साथ अगर ब्रीड कर दी, पहली बात बताऊं आपने अगर 4 पेयर लगाए, 4 पेयर कभी भी एक साथ ब्रीड नहीं करते, ये एक जो है इत्तेफाक हो सकता है कि 4 पेयर ने एक साथ ब्रीड कर दी और उनके बच्चे नीचे आ गए, और अगर आ गए तो फिर आपके लिए सर का दर्द बन जाता है कि आप किस तरह सेपरेट करो, फिर केज देने जाते हैं ये। इसलिए आप पहले इसके लिए एक केज ला के रखा करें जिसमें आपने पट्टे निकाल के जो सेल करने हैं तो सेल करें, नहीं तो अगला केज ला के उसमें छोड़ दें। अगर नहीं बढ़ाना तो फिर आप सेल के लिए इसको लगा सकती हैं। तो इस तरीके से जो है आपको पूरा सिनेरियो समझ आ जाएगा कि किस तरह टेक केयर करनी है। मटकी पहले बता दूं, मटकी जो है डब वाली मैंने बता दी, नीचे करके लगानी है, मटकी तो नहीं होती, उसकी टोकरी या फ्राई पान होता है तो उसके साथ इधर लगा सकते हैं, लेकिन मटकी जो है आपने ऊपर बिल्कुल जोड़ के लगानी है। जोड़ के वो आपको मेरी, अगर मुश्ताक भाई के चैनल पर भी मेरे केज की वीडियो देखें तो हमने बिल्कुल इन तारों के साथ उसका पिंदा जो है सर वाला, तो इन तारों के साथ उसका सर जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ था और हमने फुल मोड़ा हुआ था। अच्छा, इसमें यह है कि जिसका कमज़ोर केज होगा और जिसकी तारों का गेज कम होगा तो वो जब मड़ोड़ेगा तो उसकी तार यहाँ से टक करके टूट जाएगी। लेकिन आपको बताऊँ, ये आपको सब्ज़ रंग का केज नज़र आ रहा है, ये मुझे मिला है 1500 में, लेकिन ये है उस भाई ने मोहब्बत में कहा कि यासिर भाई वैसे ये 2500 रुपये का केज है लेकिन ये मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं एक बार फिर हसन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये देखें, ये जो है ना, ये तार जो है, मैं तकरीबन अपनी तरफ से ईमानदारी से फुल एफर्ट लगा रहा हूँ लेकिन ये तार बेंड नहीं हो रही है। आप दूसरे केज के ऊपर जाएंगे वो टक करके अंदर हो जाएंगे और वो टेढ़े ही रहेंगे, अगर ये थोड़ा सा अंदर बेंड भी हो रहा है तो ये वापस अपनी जगह पर आ रहा है। तो नहायत मजबूत केज है माशाल्लाह। और इसी तरह के आप अगर जाएंगे H9 बाज़ार में तो आपको एहसन भाई से इस तरह के केज मिल सकते हैं। आप अगर चैनल का रेफरेंस दें तो H9 बाज़ार में आपको इंशाल्लाह काफ़ी इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें यह है कि जब आप ऊपर करके मटकी लगा लेंगे, स्टिक लगा लेंगे, तो आपका जो है सेटअप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलने शुरू हो जाएगा। अच्छा, पानी वाला मैंने आपको बता दिया है कि ये पानी जो है आपने इसमें फीडर में देना है और इनमें नहीं देना। अगर आपने शॉवरिंग के लिए देना है तो वो शॉवर के लिए दे के एक टाइम के बाद निकाल के वो पानी बाहर फेंक दें ताकि कम से कम बीमारी का चांस हो। अब मैं थोड़ा सा करीब ला के आपको जाली भी दिखाता हूँ और इस केज को भी मैं टोटल दिखाता हूँ कि 1.5 बाय 2 कितना होता है। आप मार्केट में जाएँ तो आपको बगैर पूछे अंदाज़ा हो जाएगा 1.5 बाय 2 कितना है। तो दोस्तों, ये जाली भी दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको केज के करीब लेके जाता हूँ और पहले मैं आपको इस केज की क्वालिटी दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, आप ये देखें कितनी मोटी तार, और आप जो मैं फोर्स की बात करता हूँ तो इसको ये देखें, मैं फुल इस टाइम ईमानदारी से जोर लगा रहा हूँ लेकिन इस तार को टस से मस नहीं हो रहा, बहुत हैवी गेज लगा हुआ है माशाल्लाह। और इससे इस केज में वैसे ही 1.5 बाय 2 के केज में ये हैंडल करने वाली चीज़ नहीं होती, इसमें यह भी है प्लस पॉइंट ये है। अच्छा, मैंने जो यूज़ किया था वो मास्टर का केज था लेकिन ये ज़रार का, और यकीन करें मास्टर के बाद नहीं तो ज़रार भी, मैं बल्कि ज़रार को ही आज पहला नंबर देता हूँ जिस हिसाब से इन्होंने केज बनाया है। लेकिन ये तो बेसिकली ये चीज़ होती है कि जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। तो दोस्तों, ये देखें इसका ये जो साइड पिलर है बिल्कुल सॉलिड चीज़, देखें आप ये ज़बरदस्त तरीके से, ये देखें लव बर्ड वालों ने जो बॉक्स बाहर लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं लुटीनों वगैरह के लिए।
और मैं आपको दिखाऊंगा इस तरफ से अगर, तो ये देखें इसके, इसकी ट्रे भी माशाल्लाह काफ़ी मज़बूत ट्रे है, लेकिन ट्रे अभी निकल नहीं सकती। वैसे नॉर्मली जो ट्रे होती है, मैं आपको बताऊं, वो बिल्कुल बारीक चादर की ट्रे होती है, तो 2-3 महीने के बाद जो है वो ट्रे गलने शुरू हो जाती है। उसके बाद मैं आपको ले के आता हूँ, ये देखें, ये एक ज़रार कंपनी का इस तरह का टैग लगा हुआ होगा। अगर आप कॉफ़ी से बचना चाहते हैं तो ये भी देख लें, और बिल्कुल सॉलिड केज है, 1.5x2 का साइज़। ऊपर से मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये देखें दोस्तों, ये साइज़ है 1.5x2, और कोशिश करेंगे बेहतरीन गेज लें, ताकि अगर कभी के बार खुदा ना खास्ता आपके हाथ से केज स्लिप होकर गिर भी जाए तो टेढ़ा या टूटने का ख़तरा ना हो। दूसरी तरफ आपको अगर मैं लेके आऊं, जाली वाले भाई जिन लोगों ने कहा था कौन सी जाली यूज़ की है, तो वो ये देख लें, ये जाली भाई जान यूज़ हुई है। रेट मेरे जहन से निकल गया है, लेकिन इंशाल्लाह इस पर भी एक कम्प्लीट बताऊँगा, कॉलोनी का खर्च कितना आया और कितने में वो पर्चियाँ वापस ढूंढूंगा, और फिर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा। लेकिन ये केज, ये जाली जो है, इसमें ना मक्खी घुस सकती है ना मच्छर घुस सकता है, और बिल्ली से भी महफूज है। अब बेसिकली मैंने तो लिया, खैर ये बिल्ली के लिए था, तो ये बिल्ली से भी काफ़ी महफूज रखता है, क्योंकि मेरी कॉलोनी के पास अगर बिल्ली अब आई भी होगी तो उसको पता लग गया होगा कि बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े। तो ये पूरी है, इसकी साइज़ तकरीबन 3 फुट है, 3 फुट जाली की विड्थ है, और लंबाई में जो है ये 4 फुट है। तो दोस्तों यकीन करें, मुझे तो इस जाली का बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट लगा, और उसके बाद ये केज मुझे बहुत पसंद आया है। तो जो मैंने इसमें बताया कि ये इस वाले से मैं वायर निकाल के वो टोकरी लगाऊंगा डफ के लिए, तो फिर यहाँ से वो डफ के लिए नेस्टिंग खुद डाल के बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह लूँगा। तो ये कई लोग कहते हैं डफ जो है गर्मी का परिंदा है, सर्दी में ब्रीड नहीं लेता, तो उससे लिए भी मेरे लिए मेरा एक भाई है, उसने मुझे बताया है कि कैसे लेंगे, लेकिन वो वक्तन साथ साथ बताएँगे, वीडियो लंबी हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये देख लिया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों को बारीकी से हर चीज़ बताई, क्योंकि इसमें मैं खुल के इसलिए बता सकता हूँ कि इसमें मेरा 6 से 7 महीने का एक्सपीरियंस है। मुझे पता चल चुका है कि यार केज में किस तरह की कैजुअलिटी हो सकती है, और केज में क्या क्या बारीकियाँ जो हैं वो आप लोगों को भी पता चलनी चाहिए, वो भी मैंने आप लोगों को बताई। कौन से तरीके से पानी देना चाहिए, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। और अभी ये है कि कई लोग जो होते हैं इसमें कैल्शियम वगैरह खुले पानी में डालते हैं, वो भी नहीं डालें, वो भी फीडर में ही डाल कर दें। ये मैं पीछे मिस कर गया, ये मुझे अभी याद आया, मैंने आपको अभी बता दिया। तो इसमें मैं बेसिकली लगाने लगा हूँ डब, इसमें मज़ीद मालूमात आप लोगों को पता चलती जाएंगी, और तकरीबन जब 2-3 वीडियो फिंचज़ की बनेगी तो एक इस डब की भी बनेगी भाई। और सामने केज के कॉलोनी की छत पर जो पड़ा हुआ होगा केज, उसमें यह डब लगी भी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज जो टॉपिक था वो आप लोगों के लिए काफ़ी करामत साबित होगा, और कई लोगों के लिए हो गया होगा। तो दोस्तों आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त इस दुआ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में परिंदे और परिंदों वाले इसी तरह तरक्की करते रहें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।